दोस्तों क्रिकेट तो पूरे दुनिया में बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के कोहर से पूरे दुनिया ठप होके बैठा हुआ है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज घोषणा किए हैं क्योंकि देश में कोरोना के चलते बहुत खराब हालत है और ये निकलने के बाद पाकिस्तान के जीडीपी के साथ इसका तुलना किया जा रहा है और कहा जा रहा है 20 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान के जीडीपी का ऑलमोस्ट 83% है। इसके साथ साथ बहुत सारे तुलना आ रहे हैं और जो तुलना और एक किया जा रहा है वो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो पूरी टीम सैलरी है उसके साथ विराट कोहली के सैलरी। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का सैलरी पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की सैलरी के समान है। सब कुछ मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों कुछ ही दिन पहले ही पाकिस्तान ने घोषणा किया है 2020 और 2021 साल में कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे पाकिस्तान से खेलेंगे और वहां पर पाकिस्तान भी तीन कैटेगरी के साथ उतरे हैं जो कि है कैटेगरी ए जहां पर अजहर अली, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी जैसे क्रिकेटर है और कैटेगरी बी जहां पर पॉपुलर क्रिकेटर है सरफराज अहमद, शादाब खान, शान मसूद। जी हाँ, सरफराज लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर पाकिस्तान का कप्तान रह चुके हैं और सब कैटेगरी ए पे था और अब डिमोट कर दिया गया है। कैटेगरी सी में फकर जमान, इफ्तिकार अहमद जैसा क्रिकेटर वहां पर मौजूद है लेकिन उन सबका जो सैलरी पैकेज है, सैलरी पैकेज इंडिया से कोसो दूर है। जी हाँ, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है कैटेगरी ए में वहां पर उन लोगों को सैलरी मिलेगा लगभग 57 लाख रुपए सालाना, कैटेगरी बी में 42 लाख रुपए सालाना और कैटेगरी सी में 31 लाख रुपए सालाना। और वहां पर टीम इंडिया के सैलरी अगर देखा जाए तो वहां पर टोटल चार कैटेगरी है, ए प्लस, ए बी और सी। ए प्लस कैटेगरी में है विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन लोगों को मिल रहा है 7 करोड़ रुपए सालाना। जहाँ यहाँ पर लाख की कोई सिस्टम ही नहीं है। कैटेगरी ए में है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर, इन लोगों को मिल रहा है 5 करोड़ रुपए सालाना। कैटेगरी बी में है रिद्धिमान शाह, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, इन लोगों को मिल रहा है 3 करोड़ रुपए सालाना। और कैटेगरी सी में केदार यादव, नवदीप सैनी जैसे क्रिकेटर, उन लोगों को मिल रहा है 1 करोड़ रुपए सालाना। अब अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को देखा जाए तो कुल 21 खिलाड़ी 2020-21 के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में और अगर सबकी सैलरी जोड़ा जाए तो आता है 73 करोड़ रुपए जैसा। जी हाँ, और वहां पर विराट कोहली अकेले ही लेते 70 करोड़ रुपए। अब आप क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत सारे मीम बनते हैं, इससे क्या कुछ नहीं बनेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बताइए। तो दोस्तों आपको कैसा पता था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।